जीवन संघर्ष का ये पूरा सफर जिसकी आप खुद गवाह रही, अब चूंकि ये सपना साकार हो रहा है तो ये पल कितने अभिभूत करने वाले, कितने भावुक कर देने वाले ये पल। मुझे वैसा ही लग रहा है, ठीक है, जैसा अयोध्या वासियों को तब लगा था जब हनुमान जी ने सूचना दी थी कि राम आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा महसूस होता हुआ कि प्रभु श्री राम खुद प्रकट हो रहे हैं, खुद वहां पर पधार रहे हैं। ऐसे में उमा भारती जी, राम मंदिर का श्रेय आप किसे देंगी? इसमें जो राम भक्त हैं उन सबको श्रेय जाएगा, उनकी आस्था को श्रेय जाएगा, उनके विश्वास को श्रेय जाएगा, जो 500 साल से इस अभियान में शामिल रहे, जो हम तो उनकी 35वीं पीढ़ी होंगे लगभग, जो 500 साल पहले जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, जिसमें हनुमानगढ़ी के महंत थे, वहां के वैष्णव साधु थे, नागा साधु थे, राजा रणजीत सिंह की सेनाएं थी, गुरु गोविंद सिंह जी की सेनाएं थी, महाराजा छत्रसाल की सेनाएं थी, कितने राजा महाराजाओं ने वहां सेनाएं भेजी हैं, और राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष हुआ है, साधु संत मरे हैं, कार सेवक मरे हैं, जी फिर 1949 में रामलला प्रकट हुए हैं, उसके बाद से फिर आज तक जो संघर्ष हुए हैं वो आप सबको पता है, और अंत में अभी इन 2-3 वर्षों में जब शिलान्यास हुआ तब से लेकर के आज तक भारतीय नागरिकों ने जिस शांति को सौहार्द के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुना, और फिर उसके बाद जितनी शांति के साथ में शिलान्यास की प्रक्रिया पूरी हुई और मंदिर के निर्माण का होगा, इस माहौल को बनाने के लिए मोदी जी को, अमित जी को और हमारे उत्तर राज्य के मुख्यमंत्री योगी को जाएगा। जाहिर तौर पर ऐसे में देखिए, इस पूरे राम मंदिर के संघर्ष के दौरान उमा भारती जी, कभी कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा कि मुश्किल तो है लेकिन असंभव सा भी प्रतीत हो रहा है, कभी आप लोगों का हौसला डगमगाया हो? हौसला तो कभी नहीं डगमगाता था, ढांचा गिरा देना तो चुटकियों का काम था, लेकिन हम मर्यादाओं में बंधे हुए थे, इसलिए हमको जो आदेश दिया जाता था हम उसका पालन करते थे, तो हौसला गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर लगता था कि होगा कैसे, क्योंकि अडवाणी जी ने पूरी यात्रा में कहा कि हिंदू और मुसलमानों की सहमति बने, और जर्मनी में टेक्नोलॉजी आ गई है कि पूरे के पूरी बिल्डिंग को रिमूव किया जा सकता है बिना डिस्ट्रॉय किए, उस टेक्नोलॉजी को हम लाए सहमति के बाद में, कुछ लोग कहते थे कि विधेयक पारित होने दो पार्लियामेंट के अंदर तो होगा, अब ये तो किसी को पता नहीं था कि अचानक 6 दिसंबर को ऐसा हो जाएगा। 5 दिसंबर की रात को मैं स्वयं एक वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ बैठी थी, हमारे अन्य संगठन के वरिष्ठ थे वो, मैंने कहा बाबा बहुत भीड़ आ गई है, जितनी सोची थी उससे ज्यादा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ढांचे पे लोग चढ़ जाएंगे कल, जबकि हमने शिलान्यास का ही किया है कि जहां शिलान्यास वाली जगह है वहां मुट्ठी भर रेत छोड़ी जाएगी और सब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने कहा सब लोग कार सेवक तो लग रहे हैं लेकिन हमारे नहीं होगा, वो मिसाइलें लगेगी तब गिरेगा, और दूसरे दिन शाम को 5:30 बजे ढांचा गायब था, 3 दिन तक गायब हो गई थी, और एक मलबा के ढेर के ऊपर रामलला बैठे हुए थे, और पीएसी और सीआरपीएफ के वो लोग जो हम पे गोली चलाने आए थे वो आरती अगरबत्ती चला चला के आरती कर रहे थे रामलला जी,